हूँ, तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब तैयार हो जाइए। आप क्या करना है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जितने भी सर्किट्स हैं उनका क्या हम लोग पढ़ेंगे, पार फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इनका यहां पे हम लोग फेज डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है। थोड़ा यहां पे मैंने बहुत ज्यादा कंप्रेस करके यहां पे लिखा है। देखिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारा पार फैक्टर क्या होता था बताइए? नहीं पता, अभी रुकिए बताते हैं। देखिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो हमारा फेज डिफरेंस होता था वो क्या होगा हमारा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वी नॉट होता था, हाँ कि ना, और आर नॉट होता था, वो सेम फेज में होते थे, तो फेज डिफरेंस जीरो होगा। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था? जीरो। तो ये जीरो हो गया। पावर फैक्टर कितना बनेगा? पावर फैक्टर कितना बनेगा? दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? जीरो बन रहा है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, तो कौन बताएगा? कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। तो ये हमारा आ गया क्या? वन आ गया। समझ में आया कि नहीं? प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितना एंगल बनेगा? 90। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 90। और इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? वो होती है जीरो। सिमिलरली इसमें भी क्या होता था, इसमें भी देखिए ना, ये सब हमने सब कुछ बताया तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ कि ना? प्योर इंडक्टिव सर्किट ऐसे बनता था, इस तरह एक तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। यहां पे बस क्या है, मैंने दिखाया है इस तरफ 90 डिग्री बढ़ा है करंट, और मैंने इस ऐसे दिखाया, इसी को आप मोड़ दीजिए तो ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो इनके बीच में 90 डिग्री बनता है, हाँ, पावर फैक्टर क्या आएगा? जीरो, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा बहुत समझने लायक है, बट ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, प्योर सारी चीजें हो गई। अब देखिए, आर एल सर्किट मतलब रेजिस्टिव भी हो, रेजिस्टेंस भी होगा यहाँ पे और इंडक्टर भी होगा। समझ में आ रहा? रेजिस्टर इंडक्टर दोनों। अब यहां पे हम लोग का कुछ ऐसे ग्राफ बनता था। ग्राफ क्या? फेजर डायग्राम जो होता था हमारा, फेजर डायग्राम, ग्राफ ना कहिए, फेजर डायग्राम जो होता था वो ऐसे बनता था। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पे देखिए, दो नेट जो हमारा आ रहा था वी नॉट, हाँ कि ना, पोटेंशियल और करंट के बीच में कितना एंगल बन रहा था? फाई। तो हमने कहा फाई बनेगा, और फाई को तो पावर फैक्टर क्या था हमारा? पावर फैक्टर कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे जब यहां पे ऐसे आ रहा है? हमें इस तरीके से चाहिए, बट ऐसे नहीं। सुने, देखिए, हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते थे, हाँ कि ना, वी नॉट एल को हम लोग एक्सएल लिख सकते थे, और वी नॉट आर को आर लिख सकते थे, और जो आता था हमारा वी नॉट आता था उसको हम लोग क्या लिख सकते थे? जेड लिख सकते थे, हाँ। तो यहां से अगर हम लोग कॉस फाई की वैल्यू निकालें तो कॉस फाई क्या होगा बताइए? कॉस फाई होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा बेस क्या है? आर। हाइपोटेन्यूज क्या है? जेड। तो हमारा कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? आर अपॉन जेड। अब जेड की वैल्यू कहें तो अंडर द रूट, हाँ कि ना? अगर जेड की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो यह क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दीजिए, जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट, हाँ कि ना? ये वाला पोर्शन इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए बच्चों, ये जो ये वाली चीज है ये हर जगह यूज हो सकती है, ऑलवेज यूज हो सकती है, हर जगह यूज हो सकती है। यहां पर कैसे? प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में देखते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ये जो ये वाला होगा हमारा, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि कुछ यहां पे इंडक्टर तो यूज ही नहीं हो रहा है, तो इंडक्टर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जीरो। तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर। तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू वन, तो वन आ रहा था यहां पर। यहां पर देखिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा? सीधा सीधा आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। प्योर कैपेसिटिव में भी इंडक्टर यूज ही नहीं हो, प्योर की बात करें, प्योर मतलब कुछ नहीं, सिर्फ इंडक्टर यूज हो रहा है, तो रेजिस्टर यूज ही नहीं हो रहा है, तो सीधा ही इसकी भी वैल्यू जीरो, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जा रही है? जीरो, हाँ कि ना? अब तीसरी का तो यही कहानी है, तो ये चीज हमने बता दी आपको। अब देखते हैं आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में भी यही आएगा। देखिए कैसे, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कुछ ऐसा डायग्राम, फाइग्राम हमारा बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, फेजर डायग्राम जो हमारा बनता है, फेजर डायग्राम कुछ इस तरह बनता है, हाँ कि ना? इसमें कॉस फाई ही आ रहा है फेज डिफरेंस, कॉस फाई आ रहा है फेज डिफरेंस, तो हम लोगों ने फेज डिफरेंस क्या कहा? फाई आ रहा है, ठीक है।
कॉस फाई नहीं फाई आ रहा है, ठीक है, कॉस फाई तो हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं पावर फैक्टर जो आएगा वो कॉस फाई ही आएगा। अब इस वाली चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर नॉट आर को कैसे लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और वी नॉट सी को कैसे लिख सकते हैं, एक्ससी लिख सकते हैं। एक्ससी क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमने यहां पे क्या किया है, फेस डायग्राम बनाया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां से अगर हम लोग कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो सेम वही आने वाली है, क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है जेड, तो यहां पे ये आ गया। बस यहां पे जो z की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कौन बताएगा, z की वैल्यू जो आएगी हमारी वो क्या आएगा, xc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, ये वैल्यू आएगी क्योंकि यहां पे कैपेसिटिव यूज हुआ है और यहां पे xl मतलब इंडक्टर यूज हुआ है। और हमें बताइए समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है ना, बस तो इसको अच्छे से नोट करिए अब आप, ठीक है।